मात्र अगर पांच बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा, आवाज सेट नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, पांच बेलपत्र मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिवजी पे पांच बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो पांच बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को पांच बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उधर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उधर में पत्थरी हो रही हो या कोई अनेक परेशानियां जो उधर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उधर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उधर से जुड़े और जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन मायापुरी में श्रवण कर रहे हो, बैसाख के महीने में बेलपत्री की जड़ के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक लोटा पानी चढ़ाने का नियम बनाओ। रोज नहीं चढ़ा सकते, सोमवार की सोमवार चढ़ाओ, सोमवार को नहीं चढ़ा सकते तो प्रदोष के दिन चढ़ा लो, प्रदोष को नहीं चढ़ा सकते तो जो बैसाख के महीने में शिवरात्रि आएगी आप उस दिन भगवान शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा लो। क्या होगा उससे, शिव महापुराण की कथा कहती है बैसाख के महीने में तुलसी की अर्चना और बैसाख के महीने में बेलपत्री की अर्चना, ये दोनों अर्चना करने से, पूजन करने से, जल समर्पित करने से घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, मां वैभव बढ़ता। मां संपदा की कोई कमी नहीं आती, मां वैभव बढ़ता है। प्रयास करो आप कि बैसाख का महीना आए और हम लोग भगवान शंकर का आराधना करें, भगवान शिव की भक्ति करें और वो भक्ति में केवल विश्वास दिखावा नहीं। आपको पहले भी कथा में कहा कि भगवान को ना तो ढोंग पसंद है ना प्रपंच पसंद, शिव जी के मंदिर में ना पट होता है, पट मतलब दरवाजा, ना कपट होता है, शिवजी को आता ही नहीं, और ना शिवजी को झंझट होता है, ना पट है ना कपट है और ना झंझट है, शिव को ये प्रिय है ही नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप दो घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे हुए हो, माला लेकर बैठे हुए हो, आंखें आपकी बंद है और शंकर जी के मंदिर में बैठे हुए हो, नेत्र बंद करके दो घंटे से आंखें बंद कर मंदिर के अंदर बैठे हुए हो तो शंकर भगवान तो ये कहते हैं कि तू यहां बैठा है उससे अच्छा अपने घर पे जाके क्यों नहीं बैठते। पहले
पहले भी कथा में कहा, राम मंदिर में बैठने की जगह होती है, कृष्ण मंदिर में बैठने की जगह होती है, देवी जी के मंदिर में बैठने की जगह होती है, सारे देवी देवताओं के मंदिर में बैठने की जगह होगी, पर शिव जी का जहाँ गर्भगृह होता है उसके अंदर बैठने की जगह नहीं होती है, क्योंकि लोग इतना पानी ढोल कर जाते हैं कि साड़ी में ऊंची कर धीरे से जल चढ़ाते हैं। बैठने की जगह शिव रखते ही नहीं है, क्योंकि शंकर कहते हैं कि मेरे पास में बैठ कर तू समय बर्बाद मत कर। जैसे मैं राम की आराधना में लगा हूं, मेरे शंकर कहते हैं तू भगवान की आराधना में लग जा तो तेरा अपने आप कल्याण हो जाए। कर्म करो, खूब करो। कर्म करते करते आप भगवान का भजन करो, कर्म करते करते भगवत स्मरण करो, कर्म करते करते भगवत नाम कीर्तन करो, कर्म के साथ में जोड़ दो। भगवान ये भी नहीं कह रहा कि तुम काम छोड़ दो, दुकान धंधा पानी छोड़ दो, नौकरी सर्विस छोड़ दो और मेरे मंदिर में आकर बैठ जाओ। राजा भर्तरी जब ठोकर खा गए तब हरिद्वार आ गए, ध्यान देना जरा। शिव महापुराण की कथा कहती है जब सारे द्वार बंद हो जाते हैं तब एक ही द्वार खुला रहता है। जम के बोलो जरा, कौन सा द्वार? हरिद्वार। सारे द्वार जब बंद हो जाते हैं, घर के लोग धक्का दे दें, अपशब्द कह दें, ताना दे दें, गाली दे दें, आड़ा टेढ़ा बोल दें, और फिर लोग नी पूछें और आड़ा टेढ़ा कहकर जब घर से निकाल दें, और जब सब तरह से धक्के मिलते हैं और व्यक्ति जब आखिरी में घबरा जाता है, तब जाकर अंतिम बिंदु में फिर वो किसके द्वार जाएगा? तो भगवान कहते हैं कि जब सबके द्वार बंद हो जाए, परिवार के द्वार बंद हो जाए, कुटुंब कबीले के द्वार बंद हो जाए, नाते रिश्ते वालों के द्वार बंद हो जाए, तब तेरे लिए मैंने एक द्वार बना कर रखा है जिसका नाम है हरिद्वार, तो यहां आ जाना मेरी शरणागति में, और मेरी शरणागति में आकर तो यहां आकर भगवान का भजन करना, कीर्तन करना।